टेक बडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सबसे पहले। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी फ़ोटो का या किसी भी इमेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं आप। फ्रेंड्स, ये चेंज करना बहुत ही आसान है, बहुत ही एक इजी तरीका है, इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। फ्रेंड्स, आज मेरे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आपको ज़रूर सुनाई देंगी शायद, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम थोड़े ये आवाज़ें बैकग्राउंड की थोड़ी आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसमें हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। हमें प्ले स्टोर में जाना होगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इरेजर। तो फ्रेंड्स, ये बैकग्राउंड इरेजर के नाम से जैसे ही हम सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको ओपन होगी। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मुझे दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको इसमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, हाउ टू यूज़, ट्रबल शूटिंग और रिपोर्ट अ प्रॉब्लम समथिंग। तो इसमें आपको नीचे वाले ऑप्शन में जाना होगा फ्रेंड्स, जिसमें आपका लोड अ फोटो लिखा हुआ है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी जो इमेजेस हैं वो आपको इसमें दिखा देगा। तो सपोज़ मैं आपका ये वाली जो इमेज है इसको मैं आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, तो इसमें मुझे इसको क्रॉप भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसको मैं बेस्ट पॉसिबल क्रॉप भी कर लूँगा जितना मैं कर सकता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से एडजस्ट करूँगा, तो ये यहाँ तक मैंने इसको सपोज़ सेलेक्ट करके क्रॉप कर लिया है, और इधर से भी हम कर लेते हैं, ये इतना मैंने इसको क्रॉप करके, ये ऊपर जो राइट साइड में आपको डन का बटन दिखाई दे रहा है, डन का जो आपका सिंबल है इस पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपका इमेज क्रॉप हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आगे का जो हमें काम करना है इसमें आपको देखिए नीचे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जो नीचे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, ऑटो का ऑप्शन है, मैनुअल ऑप्शन है, रिपेयर का ऑप्शन है और जूम का ऑप्शन है। तो इनमें से आपको सबसे पहले जो सेलेक्ट करना है वो ऑटो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ऑटो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या करना है कि ये जो आपको एक बीच में एक कर्सर इसमें दिखाई दे रहा है, ये प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, तो प्लस का निशान जो है इसको आपको एक एक करके आपको उन एरियाज में ले जाना है जो एरिया आपको इसमें से हटाने हैं फ़ोटो में से। तो सपोज़ मैं इसको ड्रैग करके पहले मैं इस साइड का मैं कर लेता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये आपका ये हट जाएगा। इसके अलावा इसी तरह से मैंने यहाँ पर इसको हटा दिया है, और अभी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, इसके बाद आपका ये वाला एरिया कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद आपका इसी तरह से ये वाला एरिया हमने कर लिया, और लास्ट में हमने ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कर लिया। तो फ्रेंड्स, अभी आप इसमें देखेंगे थोड़े बहुत कुछ इसमें एजेस ऐसे रह गए हैं जो अभी इसमें से हटे नहीं हैं, तो ये हमें इसके लिए थोड़ा सा मैनुअल काम करना पड़ेगा। तो इसमें हम नीचे मैनुअल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो ये जो बीच में आपको मैनुअल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे, इस पर आप सेलेक्ट कीजिए। ये सेलेक्ट करने के बाद आपका जो इसमें इमेज है इसको थोड़ा आप राइट या लेफ्ट एडजस्ट करने के बाद जो जो एरियाज आपको हटाने हैं वो आप कर सकते हैं, और ये आपका जो इरेजर का जो साइज़ है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं आप ये बार से। तो यहाँ से जैसे मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर ये करने के बाद इसको हम यहाँ से इस एरिया को हटाते हैं मैनुअली, तो इसको हमें इस तरह से यहाँ से हम इसको धीरे से यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं इसी तरह से। फ्रेंड्स, अभी हमें ये नीचे थोड़ा सा हमारा कुछ एरिया रह गया है जो हमारा इमेज बैकग्राउंड नहीं हटा है, तो इसको भी हम इसी तरह से हटा देते हैं यहाँ से। तो ये हट गया हमारा फ्रेंड्स। इसके अलावा हमारा इसमें ये ऊपर का एक कुछ एरिया रहता है, इसको हम इसी तरह से हटा लेंगे, ये भी हमारा हो गया फ्रेंड्स। इसमें अभी हम एक काम और करते हैं, ये जो आपको लेफ्ट साइड में बीजी कलर दिखाई दे रहा है, बीजी कलर करके ऑप्शन, इस पर हम सेलेक्ट करके और देख लेते हैं कि कुछ एरियाज छूटे तो नहीं है हमारे। तो अभी ये जैसे देखिए इसमें आपको दिखाई देगा कि आपका राइट आर्म पे थोड़ा सा कुछ एरिया इसका रह गया, तो इसको हम ट्राई करते हैं थोड़ा ऑटो के ऑप्शन के थ्रू करने का। तो ऑटो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इस पर इस एरिया पे ले जाके इसको सेलेक्ट करूँगा, तो ये आपका काफ़ी हद तक ये भी हट गया, और थोड़ा सा एरिया जो हमारा रह गया इसको हम मैनुअली कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसको हमने यहाँ से इस तरह से मैनुअली इसको हटा लिया। बाकी ये जो छोटे मोटे रफ एजेस आपको दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, इसकी आप टेंशन मत लीजिए, इसे हम बाद में बड़े आराम से इसको कर लेंगे, इसकी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये हल्के फुल्के इसके रफ एजेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हम
आराम से हटा लेंगे, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स अब जितना आप इजीली कर पाएँ उतना आप कर लीजिए। और ये हल्के फुल्के ज़रा फेजेज़ हैं, इसको हम देखिए अब क्या करते हैं, इतना काम हो गया तो अभी हमारा लगभग लगभग काफ़ी हद तक ये काम हो चुका है बैकग्राउंड हटाने का। तो अभी हम इसमें ऊपर जो राइट साइड में डन का ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये आपका नेक्स्ट इस पर आ जाएगा। तो इसमें हम इसको थोड़ा स्मूथ करेंगे पिक्चर को, इसमें स्मूथ लेवल्स दिए हुए हैं 0 to 5। तो जितना ज़्यादा आप लेवल सेलेक्ट करेंगे 0 से लेके 5 तक, उतना ही ज़्यादा आपका उसमें स्मूथनेस आ जाएगी। तो आपके जो एजेस, ये थोड़े रफ एजेस दिखाई दे रहे हैं, ये सारे इसमें हट जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं इसका लेवल बढ़ाता हूँ तो इसके जो एजेस हैं वो आपके काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे आप हाईएस्ट लेवल पे जाके अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो काफ़ी स्मूथ आपकी पिक्चर हो जाएगी और आपका इसको आप आगे फर्दर सेव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स जैसे ये मैंने सेव कर दिया है तो ये हमारा फाइनल एक पिक्चर हमारी आ गई है, जिसका हम पूरी तरह से बैकग्राउंड हटा चुके हैं, इसमें अब कुछ भी नहीं है बैकग्राउंड में। तो अब इस इमेज को हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मतलब दूसरी इमेज के ऊपर हम इसे ले जा सकते हैं। सपोज़ मैं एक और एप्लीकेशन, जो मेरे पास पिक्स आर्ट करके एक एप्लीकेशन है, उसमें मैं इस इमेज को मैं दिखाता हूँ कैसे इसे यूज़ कर सकता हूँ। सपोज़ मैं अपना ये पिक्स आर्ट यहाँ से खोलता हूँ, पिक्स आर्ट में मैं जाने के बाद यहाँ से मैंने क्लिक किया एडिट बटन पे, और मेरी कोई एग्जिस्टिंग इमेज है उसके ऊपर मैं इसको सपोज़ ले जाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो ये इमेज सेलेक्ट करने के बाद ये मेरी इमेज ओपन हो गई है। तो यहाँ पे मैं इसको चाहूँ तो बड़े आराम से इसको यूज़ कर सकता हूँ इस इमेज को। देखिए मैं यहाँ पे ऐड इमेज के ऑप्शन पे जाऊँगा, ऐड इमेज ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने, और ये जो मैंने फ़ोटो अभी मैंने जो इमेज बैकग्राउंड जिसका हटाया था इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको ऐड करता हूँ। तो अब ये इमेज को मैं इस फोटोग्राफ के ऊपर कहीं भी लगा सकता हूँ बिल्कुल आसानी से। इसमें कोई भी मतलब आपका पुराना बैकग्राउंड हट चुका है, अब इसमें इसे मैं कहीं भी लगा के इधर यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको इमेज हटाना, इमेज से बैकग्राउंड हटाना बताया है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है इसको हटाना, और बहुत ही आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और अपनी किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हटा करके उसके पीछे कोई अच्छा सीनरी, अच्छा कोई व्यू कुछ भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह अगर आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है मेरे चैनल को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में ज़्यादा सोचिए मत, सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के ट्रेंडिंग वीडियोज़ देखने के लिए। और आपके लिए मैं और भी अच्छे अच्छे ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा, तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।